मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह क्षेत्र शुजालपुर के एक निजी स्कूल में इंग्लिश टीचर के द्वारा एक नाबालिग मासूम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जी हाँ, जहाँ इस पूरे मामले में मंडी पुलिस थाने में टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। शुजालपुर नगर के ख्याति प्राप्त ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल में छात्र के साथ मारपीट की घटना एक बार फिर चर्चाओं में है, जहां छठवीं क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम बालक को उसके इंग्लिश क्लास के टीचर ने बड़ी ही बेरहमी से लोहे की स्केल से पीट दिया है। जहां इस पूरे मामले में शुजालपुर मंडी थाने में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसा कि आपको पता है, ये दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल एक संस्था है, लेकिन संस्था के नाम पे यहाँ पे धर्मांतर का काम बहुत तेजी से होता है। आज ही एक घटना यहाँ पे एक लक्ष्य अग्रवाल नाम का बालक, नन्ना सा बालक, छठवीं क्लास का है, इसके साथ एक इसी विद्यालय के पहले टीचर द्वारा पीटा गया था, जिसकी कंप्लेन जो है परिजनों ने यहाँ पे की थी, लेकिन माफ़ी मांग ली गई थी। आज वैसी एक घटना घटी थी, उसके साथ थॉमस जो नाम के टीचर है उनके द्वारा बच्चे को बहुत स्केल से, लोहे की स्केल से पीटा गया है, जिसका प्रकरण परिजनों द्वारा पुलिस थाने में भी दर्ज कराया गया है। विद्यार्थी परिषद उस थॉमस टीचर को यहां से निष्कासित कर एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और साथ में उन्हें कहीं किसी अन्य संस्था में नियुक्ति ना हो, ऐसी मांग करने के लिए आज हम प्राचार्य के पास उपलब्ध हुए हैं यहाँ पे। उसको तुरंत हम सस्पेंशन लेटर दे दिए, उसका कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाया, उसका आदमी 7 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद हम लोग उसके लिए एक्शन कंप्लीट कर देंगे। पहले ऑलरेडी सभी का नोटिस दिया हुआ है, उसे साइन भी करवा के रखा है हमने, ऑलरेडी सभी का साइन करके नोटिस करके साइन करके रखा हुआ है, उसी के हिसाब से बाकी एक्शन हो जाएगा। कॉन्वेंट स्कूल के एक बच्चे ने अपने दादा के साथ आके रिपोर्ट लिखाई थी कि स्कूल में थर्ड ग्रेड में थॉमस सर ने को उसके साथ स्केल से मारपीट की है, तो उसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज किया गया है। और चूँकि अब उनकी अरेस्ट होना तो उसके प्रयास कर रहे हैं क्या। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शुजालपुर।